हेलो एवरीवन, स्टूडेंट ओपन योर बुक। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ये हमारा टॉपिक था, चैप्टर का नाम था। तो इसके अंदर हम एल्गोरिथम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिथम क्या होती हैं, किस लिए इसका यूज करा जाता है, ये चीज़ें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हमारी एल्गोरिथम क्या होती हैं। एज़ यू नो माय डियर स्टूडेंट, एल्गोरिथम हमारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो कि हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है। यानी कि मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, जो हमारा इस जैसे ये एक स्टेयर्स है, मुझे ऊपर जाना है इस स्टेयर्स पे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा इस पे। जैसे ये एक स्टेयर्स है, तो मैं पहले यहाँ जाऊँगा इस स्टेयर्स पे, फिर नेक्स्ट इज दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, इस तरीके से करने के बाद तब मैं इस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचूंगा। ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है हमारा क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते थे किसी भी प्रॉब्लम्स का, यानी मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई, उसका सॉल्यूशन करा स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात करेंगे आज फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो हम फ्लो चार्ट बता देते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। एक्चुअल में फ्लो चार्ट इज अ टूल फॉर शोइंग। फ्लो चार्ट क्या है, टूल है शोइंग करने का। स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, स्टेप इन्वॉल्व हो किस में, प्रोसेस में, पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म के प्रोसेस में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम मेड ऑफ बॉक्सेस। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, डायग्राम होते हैं जो बने हुए होते हैं किससे, बॉक्सेस से। यानी कि फ्लो चार्ट प्रोसेस है किसका, पिक्टोरियल फॉर्म का। और फ्लो चार्ट में डायग्राम है, किसकी फॉर्म में होगा, डायग्राम की फॉर्म में होगा, जिसमें क्या बने होंगे, बॉक्सेस होंगे, जैसे कि डायमंड्स एंड अदर शेप्स, डायमंड होंगी, कुछ अदर शेप्स होंगी जो कनेक्टेड होंगी किससे, एरो से, जो कनेक्टेड बाय द एरो। ईच शेप रिप्रेजेंट अ स्टेप, हर एक शेप रिप्रेजेंट कर रही होगी स्टेप, द प्रोसेस एंड द एरो शो द ऑर्डर, और एरो जो होंगे वो शो कर रहे होंगे ऑर्डर इन विच दे आर, अगर किस ऑर्डर में वो हैं। कंबाइन सिंबल एंड फ्लो चार्ट शो द फिगरेटिव ऑपरेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कंबाइन कर देते हैं तो वो शो करते हैं फिगरेटिव ऑपरेशन किसके, एल्गोरिथम के। दोबारा से बता देता हूँ मैं एक बार, फ्लो चार्ट क्या है, टूल है शो करने का, जिस कौन किसे शो करने का, जिसमें कि स्टेप इन्वॉल्व हों, क्या इन्वॉल्व हों, स्टेप इन्वॉल्व हों, यानी कि जिसके अंदर हमारे स्टेप इन्वॉल्व हों, जो किसकी फॉर्म में हो, पिक्टोरियल की फॉर्म में हो, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में हो, यानी कि जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकें, डायग्राम बना सकें, और जो हमारा डायग्राम है वो किससे बना हुआ हो, मेड अप ऑफ बॉक्सेस, जो बॉक्सेस से बना हो, और बॉक्सेस में आपके क्या क्या हो सकते हैं, डायमंड हो सकते हैं, डायमंड से मतलब है डायमंड जैसी शेप होती है वो हो सकती हैं, और अदर शेप्स हो सकती हैं, और जो कनेक्ट किससे होंगी, कनेक्टेड बाय एरो, यानी कि कनेक्टेड बाय एरो होंगी, एरो से कनेक्ट होंगी, ये इन्होंने बोला है। फ्लो चार्ट इज़ अ टूल फॉर इन्वॉल्विंग प्रोसेस पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म में हो, फ्लो चार्ट डायग्राम्स मेड अप ऑफ बॉक्सेस से, डायमंड हो या अदर शेप्स हो सकती है, जो कनेक्ट होंगी एरो से, हर एक शेप रिप्रेजेंट करती होंगी स्टेप में, प्रोसेस में, जो शो कर रही होंगी उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के अंदर वो हैं। सिंबल्स एंड फ्लो चार्ट, दूसरा इन्होंने बोला कि फ्लो चार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो चार्ट को हम कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इन्होंने बोला फ्लो चार्ट को हम कॉम्बिनेशन बता सकते हैं किसका, सिंबल का एंड फ्लो लाइन का। यानी कि मैं लिख सकता हूँ फ्लो चार्ट इज इक्वल टू, फ्लो चार्ट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यानी कि फिर सिंबल प्लस फ्लो लाइंस। यानी कि मैं फ्लो चार्ट को लिख सकता हूं, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट सिंबल्स प्लस हमारा लाइन होता है, हमारा क्या, फ्लो चार्ट इज इक्वल टू सिंबल्स
प्लस फ्लो लाइंस जो लाइंस उसके अंदर यूज़ कर जाती हैं, सिंबल्स जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि इस तरीके का सिंबल करते हैं या ये करते हैं या फिर रेक्टेंगल करते हैं या फिर हम डायमंड शेप करते हैं या फिर हम ये कनेक्टर वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं उन सब के लिए। तो यही बोला गया है फ्लो चार्ट में कैसे कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लो चार्ट में सिंबल्स के बारे में। तो इन्होंने बोला देर आर सिक्स बेसिक सिंबल्स। इन्होंने बेसिक सिंबल की बात करी, यानी कि जो बेसिक होते हैं हमारे वो कितने सिंबल हैं, वो सिक्स बेसिक सिंबल हैं कॉमनली यूज इन फ्लो चार्ट, जो कॉमनली यूज होते हैं फ्लो चार्ट के अंदर ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। कितने बेसिक सिंबल बताए इन्होंने, सिक्स बेसिक सिंबल बताए हमें जो इन्होंने बताए हैं। सिक्स बेसिक सिंबल्स हैं जो हमारे किसके अंदर यूज़ होते हैं, हमारे असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम। इन्होंने सब बताए हैं टर्मिनल, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट यानी IO, डिसीजन, कनेक्टर एंड प्री डिफाइंड प्रोसेस। कौन से छः बेसिक सिंबल बताए इन्होंने, बोला है ना छः बेसिक सिंबल, वो कौन कौन से हैं, टर्मिनल, प्रोसेस, इनपुट आउटपुट, डिसीजन, कनेक्टर एंड प्रीडिफाइन। देर इज नॉट कम्प्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल फ्लो चार्ट। ये देखो इन्होंने बात बोली है, कम्प्लीट लिस्ट नहीं है ये पॉसिबल फ्लो चार्ट सिंबल्स की। देर इज नॉट कम्प्लीट लिस्ट ऑफ पॉसिबल फ्लो चार्ट सिंबल, कम्प्लीट लिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि यही सिक्स बेसिक सिंबल ही यूज कर जाते हैं, इनके अलावा बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपके यूज कर जाते हैं किसके अंदर, जो आपके यूज कर जाते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो यूज कर जाते हैं, लेकिन ये सिक्स बेसिक सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं। इट इज द वंस यूज मोस्ट ऑफन स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। वंस मोस्ट ऑफन स्ट्रक्चर है जो यूज होती है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं, अपने सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट सिंबल, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट स्टॉप बॉक्स और टर्मिनल बॉक्स। क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना यहाँ पे टर्मिनल सबसे पहला सिंबल ये था, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स या फिर टर्मिनल बॉक्स। इट इज़ यूज टू इंडिकेट ए पॉइंट वेयर फ्लो चार्ट बिगन और एंड। ये इंडिकेट करता है उस पॉइंट को जहाँ से हमारा फ्लो चार्ट की बिगिनिंग हो रही हो, स्टार्टिंग हो रही हो, या फिर जहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट की एंडिंग हो रही हो। स्टॉप और एंड इज रिटन इनसाइड इट, और स्टॉप और एंड इसके अंदर लिखे जाते हैं। मतलब ये जो सिंबल है इसके अंदर हम या तो स्टार्ट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, स्टॉप लिखेंगे, इसके अंदर लिखा जाता है। जैसे जब हम एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, जब हम एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम के अंदर हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप हमारा स्टॉप होता है। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी पहला स्टेप हमारा स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेप हमारा स्टॉप होगा। यानी कि ये बिगनिंग है, ये हमारी बिगनिंग है और ये हमारी एंडिंग है। यहाँ पे हमारी एंडिंग होती है, यहाँ पे हमारी बिगनिंग होती है। तो ऐसे ही इसमें होता है स्टार्ट स्टॉप का, यानी कि जो हमारा ये सिंबल है यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी, यानी यहाँ से हमारी बिगनिंग होगी या एंडिंग होगी इस सिंबल पर। दूसरा है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स। क्या है सेकंड वन हमारा, सेकंड वन है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स। जो ये सिंबल है ये होता है हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला है जैसे मैंने प्रोसेस ये डिस्कस कर लिया है, अब हमारा ये इनपुट आउटपुट की बात करी गई है तो बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट बॉक्स इट इज़ यूज टू इनपुट और रीड एंड आउटपुट और प्रिंट डेटा रिजल्ट। इनपुट के लिए, रीड करने के लिए या आउटपुट देने के लिए डेटा के रिजल्ट का, या तो ये इनपुट देगा या फिर ये आउटपुट देगा, ये वाला सिंबल जो कि हमारा किस तरीके का है, जो हमारा लाइक अ पैरेललोग्राम की तरह का है ये सिंबल, हमारा इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है। नेक्स्ट इज आवर प्रोसेसिंग बॉक्स। ये है हमारा क्या, ये है हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स।
इस बॉक्स का यूज़ किस लिए करते हैं? इस बॉक्स का यूज़ करते हैं हम प्रोसेसिंग करने के लिए। ये हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स है। जो भी हमारी प्रोसेसिंग होंगी वो इस बॉक्स की हेल्प से होती हैं। तो प्रोसेसिंग बॉक्स को देखिए, प्रोसेसिंग बॉक्स इट इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा और शो टू शो कैलकुलेशन। प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज़ किस लिए होता है? प्रोसेस करने के लिए डेटा को, या फिर शो करने के लिए किसको? शो करने के लिए कैलकुलेशन को। इसलिए हमारा किसका यूज होता है? प्रोसेसिंग बॉक्स का यूज होता है। अब अवर नेक्स्ट इज डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का यूज किस लिए करा जाता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिसीजन बॉक्स हमारा कौन सा होता है? ये, दिस वन इज अवर डिसीजन बॉक्स। ये हमारा क्या है? ये है हमारा डिसीजन बॉक्स। तो डिसीजन बॉक्स का यूज किस लिए करते हैं? रिप्रेजेंट लॉजिकल ऑपरेशन ड्यूरिंग ए डिसीजन। रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? ऑपरेशन ड्यूरिंग, लॉजिकल ऑपरेशन शोइंग डिसीजन, लॉजिकल ऑपरेशन को, और शो करने के लिए किसको? डिसीजन को। डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेशन और शो करने के लिए डिसीजन को। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। अब हमारी नेक्स्ट जो आती हैं वो हैं हमारी फ्लो लाइंस। तो हम फ्लो लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली हमारी फ्लो लाइंस है जो हमारी चारों डायरेक्शन में हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो फ्लो लाइंस का क्या बोला है? दीज आर यूज टू कनेक्ट बॉक्सेस इन अ फ्लो चार्ट। ये लाइंस किस लिए यूज कर जाती हैं? ये लाइन यूज कर जाती हैं कनेक्ट करने के लिए बॉक्सेस को। जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे, वो आइदर मैंने टर्मिनल बॉक्स यूज़ किया है, इनपुट आउटपुट, या प्रोसेस, या डिसीजन बॉक्स, उन सब बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं फ्लो लाइंस। और फ्लो लाइंस क्या करती हैं? हमें फ्लो बताती हैं हमारे फ्लो चार्ट का। ये हमारा फ्लो बताती हैं। जैसे अगर मैंने अपवर्ड ये इस तरीके से करी है तो ये बता रही है कि हमारा जो फ्लो है फ्लो चार्ट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैंने इधर की है तो ये बता रही है कि हमारा फ्लो राइट डायरेक्शन में है। ये बताती है कि फ्लो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में है, और ये बताती है कि हमारा फ्लो डाउनवर्ड है। तो फ्लो लाइंस इसलिए हमारी यूज करी जाती हैं फ्लो बताने के लिए, जो डिफाइन करती हैं फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट डिफाइन करती हैं कौन? हमारी फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस के बाद है हमारे कनेक्टर। तो कनेक्टर ये हमारा दिखाई रखा है इन्होंने कनेक्टर। तो कनेक्टर के अंदर क्या है? कनेक्टर इट इज़ यूज टू शो कॉन्टिन्यूशन ऑफ फ्लो चार्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये किस लिए यूज़ कर जाता है? यूज करते हैं शो करने के लिए क्या? कॉन्टिन्यूशन ऑफ फ्लो चार्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। कॉन्टिन्यूशन दिखाने के लिए किसका? फ्लो चार्ट का, डिफरेंट प्लेसेस पर, अलग अलग प्लेसेस पर। अब इन्होंने दिए हैं कुछ जनरल रूल्स फॉर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कुछ जनरल रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। कब? जब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। अब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो कुछ रूल्स भी होंगे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए फ्लो चार्ट बनाते टाइम। तो वो कुछ रूल्स दिए गए हैं, उनकी अब हम बात कर लेते हैं। वो रूल्स कौन से हैं लिखे हुए हैं? जनरल रूल्स फॉर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के जनरल रूल्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन है हमारा ऑल बॉक्सेस ऑफ फ्लो चार्ट कनेक्टेड विद एरो। जितने भी बॉक्सेस हैं, ऑल बॉक्सेस ऑफ फ्लो चार्ट कनेक्टेड विद एरो, जितने भी बॉक्सेस हैं वो कनेक्ट होंगे किसके साथ? एरो के साथ। ये हमारे एरो होते हैं जो फ्लो लाइंस डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे सारे बॉक्सेस कनेक्ट होने चाहिए एरो के साथ। एरो के साथ कनेक्ट क्यों करते हैं? व्हाई वी नीड टू कनेक्ट ऑल द बॉक्सेस टू विद द हेल्प ऑफ एरो। एरो के साथ हम इसलिए कनेक्ट करते हैं, एरो से एक तो हमें पता चल जाता है किस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, दूसरा एरो हमें बताते हैं कि हमारा फ्लो चार्ट का फ्लो किधर है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो फ्लो चार्ट में फ्लो बताते हैं हमारे फ्लो लाइंस, हमारी जो एरो है वो फ्लो बताएंगे उसका, और ये कनेक्ट कर देते हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, इससे ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट वन इज, सेकेंड पॉइंट है, फ्लो चार्ट सिंबल हैव एन एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल। एंट्री पॉइंट होगा टॉप ऑफ द सिंबल विद नो अदर एंट्री पॉइंट।
जो भी एंट्री पॉइंट हमारे फ्लो चार्ट के अंदर होगा वो टॉप ऑफ द सिंबल होगा। फ्लो चार्ट सिंबल में हमारा एंट्री पॉइंट टॉप ऑफ द सिंबल होगा और कोई अदर एंट्री पॉइंट नहीं होगा। जो मैंने बताया था जैसे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपका स्टार्ट स्टॉप बॉक्स यानी कि इस तरीके के बॉक्स में आता है, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स में होगा या तो, या फिर हम इसे बोल देते हैं टर्मिनल बॉक्स, तो इसके अंदर होगा फ्लो सिंबल में। इसके अलावा कोई आपका एंट्री पॉइंट नहीं होगा, एक ही एंट्री पॉइंट होगा और कोई एंट्री पॉइंट नहीं होगा। फिर बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट है आपका द एग्जिट पॉइंट फॉर ऑल फ्लो चार्ट सिंबल इज ऑन द बॉटम। देखो एंट्री पॉइंट हमारा टॉप ऑफ द सिंबल था, तो अब एग्जिट पॉइंट कहाँ है? एग्जिट पॉइंट हमारा ऑन द बॉटम पर है फॉर डिसीजन सिंबल, फॉर द डिसीजन सिंबल बॉटम पर हमारा एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट टॉप पर है और बॉटम पर हमारा एग्जिट पॉइंट है जहाँ से हम अपने फ्लो चार्ट को लीव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद है द डिसीजन सिंबल हैज़ टू एग्जिट पॉइंट। जो हमारा डिसीजन सिंबल होगा यानी डिसीजन सिंबल हमारा कौन सा होता है? ये वाला। इसके अंदर कितने एग्जिट पॉइंट होंगे? इसके अंदर हमारे दो एग्जिट पॉइंट होते हैं डिसीजन सिंबल के अंदर। इस सिंबल के अंदर हमारे दो एग्जिट पॉइंट होते हैं, कैन बी साइड ऑन द बॉटम एंड वन साइड। वो साइड साइड में भी हो सकते हैं या बॉटम और साइड में भी हो सकता है। डिसीजन सिंबल के अंदर हमारे दो एग्जिट पॉइंट होंगे, अदरवाइज कोई दो मोर एग्जिट पॉइंट नहीं होते हैं, एक ही एग्जिट पॉइंट होता है हमारे फ्लो चार्ट के अंदर। फिर बताया है नेक्स्ट में ये वाला, जनरली ए फ्लो चार्ट विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जनरली जो हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है। कैसे चलता है हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो? जनरली टॉप टू बॉटम होता है। जनरली जो हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। हालांकि कुछ केस में आपका चेंज हो सकता है, बॉटम टू टॉप जा रहा हो या लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो, लेकिन जनरली मोस्टली केसेस में आपका टॉप टू बॉटम फ्लो चार्ट का फ्लो यूज होता है। उसके बाद है कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक द इनर फ्लो चार्ट। कनेक्टर यूज कर जाते हैं किस लिए? ब्रेक करने के लिए। किसको? फ्लो चार्ट को। कनेक्टर का यूज करते हैं कनेक्ट करके ब्रेक करने के लिए। किसको? फ्लो चार्ट को। अब है आपकी फ्लो चार्ट टिप्स। फ्लो चार्ट की टिप्स दी हुई हैं। चार्ट इज अ प्रोसेस द वे इज रियली अक्यूरिंग। चार्ट क्या है? प्रोसेस है, वे है जो रियली अक्यूरिंग होता है। डू नॉट डॉक्यूमेंट द वे ए रिटर्न प्रोसेस। डू नॉट डॉक्यूमेंट द वे रिटर्न प्रोसेस। डॉक्यूमेंट नहीं है वे, रिटर्न प्रोसेस है। और ए मैनेजर थिंक्स द प्रोसेस हैपन। और मैनेजर थिंक्स कर सकता है प्रोसेस हैपन। मैनेजर थिंक्स करता है प्रोसेस हैपन। अब इसके बाद इसकी कुछ एडवांटेजेस दी गई हैं फ्लो चार्ट की, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न। फ्लो चार्ट क्या बताया इन्होंने? एक बेटर वे बताया, अच्छा तरीका बताया कम्युनिकेट करने का, लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न। लॉजिक ऑफ सिस्टम टू ऑल कंसर्न जो हमारा फ्लो चार्ट है वो बहुत ही बेटर वे है कम्युनिकेट करने का, लॉजिक ऑफ ए सिस्टम टू ऑल कंसर्न। लॉजिक ऑफ सिस्टम से ऑल कंसर्न के लिए इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम कैन एनालाइज इन मोर इफेक्टिव वे। जो फ्लो चार्ट है उस वो हेल्प करते हैं हमारा प्रॉब्लम को क्या करने में, एनालाइज करने में मोर इफेक्टिव वे में, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए। अब है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली करा जाता है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व अ गुड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है फ्लो चार्ट है वो सर्व करते हैं गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के लिए। विच नीड फॉर वेरियस पर्पज। जो नीड होती है जिसकी बहुत सारे पर्पज के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है जब हमारा फ्लो चार्ट है वो रिटर्न फॉर्म में है जो हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरह, यानी कि एज ए प्रूफ या फिर हम बोल सकते हैं एज ए एविडेंस जिसका हम यूज कर सकते हैं।
फिर है इफिशियंट कोडिंग। इफिशियंट कोडिंग फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड और अ ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइज। फ्लो चार्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द सिस्टम एनालाइज एंड द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज, या फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज के अंदर फ्लो चार्ट क्या करते हैं, गाइड करते हैं या ब्लूप्रिंट करते हैं ड्यूरिंग द सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के टाइम में प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज में, प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज के अंदर। नेक्स्ट इज प्रॉपर डीबगिंग। इसके अंदर जो हमारी डीबगिंग करी जाती है वो प्रॉपरली होती है, प्रॉपरली डीबगिंग करी जाती है हमारे फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं वो है, जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रॉपर डीबगिंग के अंदर। तो प्रॉपर डीबगिंग इसकी हेल्प से पॉसिबल हो जाती है, प्रॉपर डीबगिंग में ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज इफिशियंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। इफिशियंट प्रोग्राम मेंटेनेंस होती है, द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम बिकम ईजी। जो मेंटेनेंस है ऑपरेटिंग प्रोग्राम की वो बिकम ईजी है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। किसकी हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। जो मेंटेनेंस कर जाती है ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स की वो ईजी हो जाती है, किसकी हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। फ्लो चार्ट हेल्प द प्रोग्रामर टू पुट एफर्ट ऑन मोर इफेक्टिवली ऑन दैट पार्ट। प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं पुट करने के लिए एफर्ट्स को, उसके एफर्ट डालने के लिए बहुत ही इफिशियंटली ऑन दैट पार्ट, उस पार्ट पर बहुत ही इफिशियंटली डालने के लिए हेल्प करता है। सो स्टूडेंट वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एल्गोरिथम, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फ्लो चार्ट। तो अब हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट यानी हम दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको एल्गोरिथम लिखनी भी आ चुकी हैं, फ्लो चार्ट भी वैसे हमने पढ़ा दिया था पहले, अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको आते तो फ्लो चार्ट भी होंगे। स्टूडेंट यू हैव टू लर्न एंड राइट डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। आपको लर्न करनी है और राइट करनी है क्या, डेफिनेशन ऑफ फ्लो चार्ट। डेफिनेशन लर्न राइट करनी है आपको फ्लो चार्ट की, डेफिनेशन एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ओके लिख लीजिए स्टूडेंट, राइट डाउन द डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, लर्न एंड राइट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन यू आस्क ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू एवरीवन।